इस वीडियो में अलजेब्रा के मल्टीप्लाई को एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है, इसको भी सीख लेते हैं, बहुत जरूरी है। ये भी बहुत आसान है, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहले वाले से ही सीख लेते हैं। पहले इसको लिखिए आराम से 3x और इस सॉलिड को लिख दीजिए, ठीक है। पहले 3x लिखिए, उसके बाद इस ब्रैकेट में जितने हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, चार है तो चार, फिर इसको लिख दीजिए। अब इंटू करिए, 3 × 6 = 17, 21, 4 × 8 = 27, 28, ये सेम सेम है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक। ये हो गया आपका पहला, इसमें वही पहले इसको लिख लीजिए आराम से, फिर इसको लिखिए, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 7 × 6 + 7 = 46 + 17 = 21, दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो दोनों का आराम से प्लस कर देंगे, प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला सीख लेते हैं, पहले ये 2x है, 2x लिखिए, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, फिर ये माइनस तो माइनस, 7 तो 7, 7x प्लस 7 इंटू 7 × 14x² प्लस 7 × 14 माइनस 7 × 6 − 7, ये दोनों का सेम कैटेगरी का है लेकिन प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग घटा देंगे, 49 में से 14 घटाइए, 9 में से 4 = 5। अब दोनों माइनस हो तो क्या करें, सबसे पहले 9x लिखिए, इस ब्रैकेट को टोटल लिख दीजिए, -2 है, 6x − 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से, इस टाइप का मल्टीप्लाई होगा, बीच में इस दोनों सेम कैटेगरी का है और माइनस माइनस है तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लाई था।